आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। ये जो पान की पत्ते जैसी आकृति है, इसे आप देख रहे हैं, और इस आकृति के अंदर क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है? यदि आप कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं या ना भी रखते हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको एक नेक्स्ट लेवल की यौन फैंटेसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये यौन फैंटेसी है क्या, ये पान के पत्ते की आकृति के बीच में क्यू स्ट्रक्चर का, क्यू अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है, इस वीडियो में पूरे अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ये जो USA, कनाडा और अन्य यूरोपीय कंट्री जहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन लोग निवास करते हैं, वहाँ पे इस तरह की फैंटेसी ज़्यादा प्रचलित है। और ये जो पान के पत्ते या पीपल के पत्ते जैसी आकृति के अंदर क्यों लिखा जो है ना, इसका मतलब होता है क्वीन ऑफ एस्पेडियस। मैं पुनः दोहरा दूं, क्वीन ऑफ एस्पेडियस, इसका मतलब ये होता है कि जिस फीमेल के शरीर पे, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में, चाहे वो टैटू के रूप में, चाहे वो कपड़ों पे प्रिंट के रूप में यह सिंबल होता है, वह फीमेल ब्लैक मेल द्वारा डोमिनेटेड होती है, उस पे पूर्ण रूप से अधिकार, उस वाइट फीमेल पे पूर्ण रूप से अधिकार ब्लैक मेल का होता है। और वो वाइट फीमेल मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है। और ये जो फैंटेसी है जिसमें पान के पत्ते के बीच में क्यू अल्फाबेट है, ये फीमेल के अंदर भी होता है और मेल के अंदर भी होता है। और मेल के अंदर तब होता है जब उसके अंदर सबमिसिव कुकुल्ड फैंटेसी होता है। कई ऐसे सबमिसिव कुकुल्ड वाइट हस्बैंड हैं, अर्थात कई ऐसे अंग्रेज सबमिसिव कुकुल्ड हस्बैंड हैं जो अपनी वाइट वाइफ को ब्लैक मेल के साथ प्ले करवाना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ एस्पेडियस का मतलब समझ गए, किसी फीमेल के शरीर पे या सिंबल कपड़ों पे हो, या उसके ब्रेसलेट में, या शरीर के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी हिस्से में प्रिंटेड हो, या उसके ऊपर क्या उसे बोलते हैं, टैटू के रूप में हो, इसका मतलब यही है कि इस फीमेल के ऊपर ब्लैक मैन का डोमिनेशन है और किसी का डोमिनेशन ये स्वीकार नहीं कर सकती, सिर्फ ब्लैक मैन का इस पे अधिकार है। और यह फैंटेसी फीमेल के अंदर भी होती है कि वो ब्लैक मैन के साथ प्ले करे। और यह फैंटेसी हस्बैंड के अंदर भी होता है जिसके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी होता है कि उसकी वाइफ के साथ ब्लैक मैन प्ले करे। और इसके नेक्स्ट कदम आगे बढ़ें तो इसमें एक टर्म आता है BNWO, ब्लैक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो BNWO जो टर्म है ना, ये पॉर्न सिनेमैटिक्स द्वारा, एडल्ट सिनेमैटिक्स द्वारा ज़्यादा प्रमोट किया गया है। और जो पान के पत्ते में क्यों जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, जिसे मैं क्वीन ऑफ एस्पेडियस कह रहा हूँ, यह भी पॉर्न सिनेमैटिक्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इस तरह की वीडियो बना करके वाइट वाइफ और ब्लैक बुल या ब्लैक मैन का कॉम्बिनेशन से वीडियो बना करके ज़्यादा प्रमोट किया है। मैं इस पे सोशल सर्वे किया हूँ तो कई अमेरिकन लोगों से बात किया मैंने, और कई यूरोपीय लोगों से मैंने ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से बात किया जो इस तरह की फैंटेसी वाले ग्रुप में शामिल है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फैंटेसी है ना, ये पॉर्न सिनेमैटिक्स द्वारा ज़्यादा प्रमोट किया गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है लेकिन काफ़ी कम है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये जो BNWO, ब्लैक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो फैंटेसी आप लोग रखते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, या कहे क्वीन ऑफ एस्पेडियस, जो अपनी फीमेल, अपने कम्युनिटी के फीमेल के ऊपर सिंबल या लोगो लगा करके ये क्या जाहिर करना चाहते हैं आप लोग? तो उन्होंने बताया मुझे कि देखिए, कई फीमेल भी है ना जो ब्लैक मेल को लाइक करती है, और उसकी यौन फैंटेसी, सेक्स फैंटेसी इससे कंडीशनिंग हो जाती है, और वह यह सोच करके ही कि मेरे ऊपर ब्लैक मैन का डोमिनेशन है, एक नेक्स्ट लेवल का प्लेजर फील करती है। और दूसरा कि जो हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं, वो अपनी वाइफ के ऊपर इस प्रकार की लोगो या टैटू के रूप में छपवाते हैं, पैर में, हथेलियों पे, बाहों पे, और शरीर के कुछ खास
हिस्सों में, यहाँ तक कि गुप्तांग के आसपास, यहाँ तक कि नितंब के आसपास। और यह जो लोगो है, यह जो आकृति है क्वीन ऑफ एस्पेडियस का, इसे देख करके कुकुल सबमिसिव कुकुल हस्बैंड भी प्लेजर फील करता है। तो इस सिंबल का पूरा मीनिंग यही है कि एक फीमेल जो ब्लैक मेल के लिए ओनली फॉर बीबीसी, ओनली फॉर ब्लैक मैन के लिए ही है। और वो फीमेल मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही है, फिर भी उसके ऊपर डोमिनेशन ब्लैक मैन का है। और डोमिनेशन इस लेवल तक होता है ना कि वो ब्लैक मेल द्वारा प्रेग्नेंट भी होती है, ब्लैक बेबी को या मिक्स ब्रीड को जन्म भी देती है। और इसको सबमिसिव कुकुल्ड हस्बैंड जो होता है वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी वाइफ को ब्लैक मेल प्रेग्नेंट किया और उसके बच्चे को वो पालता है, क्योंकि सबमिसिव कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड को ये काफी नेक्स्ट लेवल का प्लेजर देता है। ये एक अलग साइकोसेक्सुअल फैंटेसी है जो हस्बैंड को सिर्फ आकृति को देख करके, कल्पना करके एक प्लेजर मिलता है, एक उत्तेजना मिलता है, हार्ड इरेक्शन आता है उसे। तो ब्लैक बेबी को भी व्हाइट फीमेल जन्म देती है। और इसका पॉलिटिकल एंगल भी मुझे बताया गया। पॉलिटिकल एंगल क्या है कि कोई फीमेल अपने शरीर पे टैटू या ब्रेसलेट या शरीर पे किसी भी रूप में क्वीन ऑफ एस्पेडियस सिंबल को धारण करती है, ये दर्शाता है कि वह फीमेल ब्लैक और व्हाइट में फर्क करने वाली मानसिकता से पीड़ित नहीं है, वह रेसियलिज्म की मानसिकता से पीड़ित नहीं है, सभी मनुष्यों को एक समान समझती है और इसीलिए वह ब्लैक मैन को भी एक्सेप्ट करती है। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल कम और सेक्सुअल फैंटेसी से रिलेटेड एंगल ज्यादा प्रचलित है। और BNWO ब्लैक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात ब्लैक मैन की सुप्रीमेसी को प्रूफ करना, उसे फैलाना। और ब्लैक मैन की सुप्रीमेसी फैलेगा कैसे, जब वो व्हाइट फीमेल को डोमिनेट करके इंटरकोर्स करेगा और उससे बेबी आएगा। तो ये जो मिक्स ब्रीड है ना ब्लैक और व्हाइट का, इसी को कहा गया है, इसी को एक टर्म में कहा गया है BNWO ब्लैक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात आने वाले जो समय में मिक्स ब्रीड होंगे जिसमें ब्लैक मेल की ज्यादा अहम भूमिका होगी। तो आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। और यह जो फैंटेसी है ना, ज्यादातर फैंटेसी है, रियलिटी कम है, क्योंकि ये यूरोप में, अमेरिका में लोग प्रैक्टिस करते हैं पर उनकी संख्या कम है। और काफी सारी बातें इसके बारे में है जो मैं YouTube जैसे खुले मंच पे किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आपको बता सकता। यूरोप और अमेरिका में कई ऐसे क्लब हैं जहां BNWO क्वीन ऑफ एस्पेडियस सिंबल लगाई हुई फीमेल होती है, जो ये दर्शाती है कि मुझ पे सिर्फ ब्लैक मैन का अधिकार है, और जो सबमिसिव कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले मेल होते हैं वो उस क्लब का मेंबर होते हैं और अपनी इस फैंटेसी को इंजॉय करते हैं। ये बहुत नेक्स्ट लेवल की फैंटेसी है, इन डेप्थ कभी नेक्स्ट फ्यूचर के वीडियो में बताऊंगा कि इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, क्यों मजा आता है, कैसे मजा आता है, लोगों के अंदर ये फैंटेसी क्यों आई, इसका साइकोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, ये साइकोलॉजी के किस सेंटर से आता है एक मेल के अंदर, एक फीमेल के अंदर। और अंत में बता दूं, ये क्वीन ऑफ एस्पेडियस जो पान के पत्ते में क्यों आकृति है, यह आकृति फीमेल अपने खुद के मर्जी से भी अपने शरीर के ऊपर प्रिंट करवाती है, कपड़ों पे या ब्रेसलेट के रूप में धारण करती है या शादीशुदा है। तो हस्बैंड सबमिसिव कुकुल्ड या कुकुल्ड फैंटेसी रखता है तो अपनी वाइफ को इस तरह की टैटू लगाने के लिए प्रेरित करता है या लगवाता है। और यह टैटू दिखता भी है और कई फीमेल इसे ना भी दिखाती है, शरीर के ऐसे केंद्र पे वो इस टैटू को गुदवाएगी जैसे गुप्तांग के आसपास, क्वीन ऑफ एस्पेडियस क्यों लिखा हुआ, पान के पत्ते जैसी आकृति, ऐसी अंडरगारमेंट्स पहनेगी जो उसे खास लोग ही देख सकते हैं। और ऐसा पहन करके, ऐसी चीजों को अपना करके, ऐसी सिंबल को अपने बॉडी पे प्रिंट करवा करके दोनों आनंद लेते हैं इस फैंटेसी का। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।